फास्फोरस के साथ हमेशा एक डबल बॉन्ड ओ होगा, एक सिंगल बॉन्ड ओ एच होगा, और फास्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है टोटल, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? फाइव. एग्जैक्टली, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 15. इफ इट बिलोंग्स टू ग्रुप 15, इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटमोस्ट शेल, सो एक्सपैंडेड ऑक्टेट के अकॉर्डिंग इट कैन मेक 5 बॉन्ड्स. सो बाकी दो बॉन्ड जो बने वो एच एंड एच ऐसे बन गया, फॉस्फोनिक एसिड. अब डू यू वांट टू ट्राई ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड? याद रखना, एक पी डबल बॉन्ड ओ बनेगा ही बनेगा, एक पी ओ एच बनेगा ही बनेगा, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग बनाना एच थ्री पी ओ थ्री. एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ और फिर देखते हैं हो पाता है कि नहीं. वन, लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर इफ वी हैव गॉट इट करेक्टली. फॉस्फोरस सेंट्रल एलिमेंट है. अब इसके साथ क्या बनेगा? एक ही ऐसे बनेगा, बनेगा ही बनेगा, एक एक और ओ एच हो गया. अब दो और बॉन्ड है एंड हमारे पास दो ऑक्सीजन जा चुका है, तो एक ऑक्सीजन के साथ एक और हाइड्रोजन आएगा. अब एक हाइड्रोजन बचा, तो दिस इज द एच थ्री पी ओ थ्री बॉन्ड, ठीक है? नाउ एच थ्री पी ओ थ्री का मतलब इट विल बी व्हाट? इज इट अ डाई बेसिक और अ ट्राई बेसिक एसिड और अ मोनो बेसिक एसिड? अब यहाँ पे देखना, सिर्फ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जा सकता है. दीज टाइप ऑफ एसिड्स आर बेटर नोन एज ऑक्सो एसिड्स. ऑक्सो एसिड्स आर द एसिड्स इन विच द हाइड्रोजन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर इज द हाइड्रोजन अटैच्ड विद ऑक्सीजन. जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है ना, सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक नेचर के लिए. तो यहाँ पे देखोगे तो वी हैव ओनली टू सच हाइड्रोजन, सो कैसा एसिड होगा? अब फिर से डाई बेसिक. ओके, अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, नेक्स्ट वाले में इट इज एन एच फोर पी टू ओ फाइव. तो एक अब इसके साथ एक और बनेगा, दैट इज अ पी ओ पी बॉन्ड, ठीक है? तो अब एक मिनट का टाइम दे रहा हूं पाइरोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए. सो अब आंसर अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास, हमने क्या कहा कि पी दो है, ठीक है? वी हैव टू पीस, वन पी इज हियर, वन पी इज हियर. अब ये हमारा हो गया डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ. एक पी के साथ ओ एच होगा ही होगा, दूसरा पी के साथ भी ओ एच होगा ही होगा. तो हमारे पास एक दो तीन चार चला गया और एक बीच में पी ओ पी आ जाएगा, ठीक है? तो अब क्या बचा? एक दो तीन चार पांच ऑक्सीजन गए, पांच ऑक्सीजन गए, दो फास्फोरस गए, दो हाइड्रोजन गए. तो अब एक हाइड्रोजन कैसा होगा? वो हाइड्रोजन होगा ऐसा, ठीक है? तो पाइरोफॉस्फोरस एसिड सबका यही आंसर आया है? यस सर. अब नेक्स्ट वाले का हिंट, पी के साथ डबल बॉन्ड होगा ही होगा, पी के साथ एक ओ एच होगा ही होगा, और दो पी है, याद रखना दो पी है, तो यहां पे बनेगा पी ओ ओ पी, पूप बन जाएगा. तो जल्दी से हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएं. कितने लोगों का हो गया? बहुत कम लोगों का आवाज आया था इस बार. एक पी है, ठीक है, ओ है, अरे ये फिर से ये लिखने में परेशानी कर रहा, अभी तो ठीक से लिख रहा था. ओके, दूसरा ओ है, और फिर ये यहाँ पे एक बार कपड़ा कहाँ है, लेट्स, पसीना लग जाता है तो फिर ये थोड़ा सा काम करने में मुश्किल करता है. ओके, एक और पी आ गया. अब पी के साथ क्या होगा? एक तो आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा ही होगा, ठीक है? दूसरे साइड से भी क्या होगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा ही होगा, एक ओ एच होगा ही होगा, ठीक है? एक ओ एच होगा ही होगा.
अब बेटा देखो कितने ऑक्सीजन गए, कितने हाइड्रोजन गए, कितने फास्फोरस गए। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 ऑक्सीजन गए, ठीक है। हाइड्रोजन 2 गए, फास्फोरस 2 गए, यानी कि एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा H3PO4 की बारी है, नॉर्मल है, इसमें 2 P नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। तो आप इसको जल्दी से करो 1 P के अकॉर्डिंग एक बार में। वेरी गुड, सर डन वेरी गुड। 2 डन, डन 3 डन, डन सर 4 डन, 3 girls 1 boy, कम ऑन बॉयज। आर्यन अलावत, अभिषेक कुमार, वे आर योर वेन करण, 2 boys 3 girls, प्रत्युष, ओके डन, आयुष ऑल्सो डन, 3 girls 3 boys 6 हुए हैं। जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी, 30 और सेकेंड बचे। डन ओके वेरी गुड, ओके गर्ल्स अगेन विनिंग, 4:4:3 का रेशियो हो गया। चेक करते हैं, आते हैं इधर, ठीक है। तो पी के साथ डबल बॉन्ड ओ, एक पी ओ पी बनेगा ही बनेगा, एक पी ओ पी बनेगा ही बनेगा, पी एक पी ओ पी बनेगा ही बनेगा। प्लेस माई राइटिंग पैड, यू कैन नॉट गेट स्पॉइल्ड सो फास्ट। एंड ये डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। अब उसके बाद से एक ओ एच बनेगा ही बनेगा, एक ओ एच बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 4 5 गए, 5 गए, तो इसका मतलब एक और ओ एच आ जाएगा और एक और ओ एच आ जाएगा, यही बना गाइस। शाबाश। अब हाँ जी बेटा, या ओनली ओनली इन दैट क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ उसी क्वेश्चन में। अब इसमें बेटा दो ओ डाल के देखना, दो ओ डाल के देखोगे तो बनेगा ही नहीं। इसमें अगर दो ओ डालोगे तो क्या होगा, बनेगा ही नहीं, ठीक है। हाँ जी बेटा, बेटा फॉस्फरस में फॉस्फरस का वैलेंसी क्या है, फॉस्फरस का वैलेंसी आइदर 3 और 5, वो 3 या 5 वैलेंसी दिखाता है, 4 वैलेंसी नहीं दिखाता। ग्रुप 15 है, बट ऐसे होता है, देखना ऐसे होता है। ग्रुप 15 का मतलब क्या है, S2 है, S2 और P3। अगर तो सिर्फ ये 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, ठीक है, तो आपका वैलेंसी इसका 3 रहेगा। लेकिन जैसे फास्फोरस के साथ 3D खाली आ जाता है, मेरा फर्स्ट क्लास, इस चैप्टर का फर्स्ट क्लास में मैंने क्या कहा था, सेकेंड एलिमेंट के बाद 3D खाली आ जाता है। अगर 3D खाली आ जाता है तो एस वाला इलेक्ट्रॉन भाग के डी में आ जाता है। इन द एक्साइटेड स्टेट द एस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो कम्स इन द डी, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया वाई। इस राइटिंग पैड को भी ना क्या चाहिए होता है, AC। अगर हाथ का पसीना थोड़ा सा भी लग जाए तो फिर ये ना कहता है कि भैया पसीना इज ऑल्सो राइटिंग। सो अब देखना बेटा, वो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो अब कितने शेयरिंग हुए, 5 शेयरिंग हुए, तो वैलेंसी कितना हो गया, 5। तो दैट इज वाई फॉस्फोरस, नाइट्रोजन तो सिर्फ 3 दिखाता है लेकिन फॉस्फोरस 3 या 5 दोनों दिखा सकता है, ठीक है। ओके सो अब ये, अब हम चल रहे हैं NCERT में वापस। हाँ जी बेटा,
हाँ डी ऑर्बिटल फ्री थर्ड पीरियड से अवेलेबल है, ठीक है। तो ये देखो जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि पी, हाँ जी बेटा, सर ये लास्ट वाले का कैसा था, वो एक समझ नहीं आया। लास्ट वाले का क्या हो जाएगा, इट इज बेसिकली अ पॉलीमर चेन बन जाएगा, एक HPO3, ठीक है, एक HPO3 बना देगा चेन दूसरे HPO3 के साथ, किसके साथ, दूसरे HPO3 के साथ, फिर नेक्स्ट वाला बनाएगा दूसरे HPO3 के साथ। तो ये ऐसे HPO3 बनता जाएगा। अब हमेशा याद रखना क्या, एक पी के साथ हमेशा क्या होगा, ऐसे होता है, एक ओ एच बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता चला जाएगा, चेन बनता चला जाएगा, ठीक है। ये देखना यहाँ पे आएगा, इसी टेबल के नीचे है, दैट इज वाई आई रिफर ओनली टू NCERT। इन सब के स्ट्रक्चर्स ये देखो, ठीक है। एक एक्स्ट्रा दिया है साइक्लो ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये देखो HP3 HPO3N का, सब में POP POP POP, सब में OH OH OH, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो ऐसे ये आपका चेन बनाता चला जाता है। तो ऑल दी स्ट्रक्चर्स दैट यू डिड इज गिवन आउट हियर, ठीक है। यस सर। ओके, अब बेटा ये देखो, ये आपका अगेन ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स का मतलब क्या होता है, आपका जो हाइड्रोजन है दैट गोज फ्रॉम द ऑक्सीजन, नॉट दैट वन दैट इज डायरेक्टली अटैच टू फॉस्फरस। फॉस्फरस के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो कभी भी नहीं जाएगा, इट इज ओनली द ओ एच वाला जाएगा विच डिसाइड्स इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी। जैसे H3PO3 के स्ट्रक्चर में, अब अपना रजिस्टर चेक करो, H3PO3 के स्ट्रक्चर में कितने ओ एच हैं, तो यानी कि इट इज डाइबेसिक। H3PO4 के स्ट्रक्चर में कितने ओ एच हैं, थ्री थ्री, यानी कि ये ट्राइबेसिक है, ठीक है। अब बेटा मुझे यहां पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, यहां पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, यहां पे बताओ। पहले वाले में करें हाइड्रोजन का वन, थ्री वन जो थ्री, फॉस्फरस इज एन एक्स, ऑक्सीजन इज 3 2 6 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, थ्री। थ्री। अब H3PO4 में आते हैं, हाइड्रोजन है थ्री, फॉस्फरस का हो गया एक्स, ऑक्सीजन का -8 इक्वल्स टू 0, तो एक्स कितना आ गया, फाइव। PH3 में देखें तो हाइड्रोजन हैज बीन कंसिडर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक्स -3 इज इक्वल्स टू 0, तो PH3 में कितना आया, थ्री। थ्री, ठीक है। अब अगर इफ इट हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन देन इट विल बी कंसिडर्ड टू बी -3। तो यहां पे फॉस्फोरस 3 से 5 हो रहा है, तो इज इट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। और यहां पे फॉस्फरस को सिंस इट गेन्स इलेक्ट्रॉन फॉस्फाइन में, तो इट हैज बीन शोन एज व्हाट, इट हैज बीन शोन एज अ -3। तो अब यहां पे 3 से -3 हुआ, तो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, +3 से -3 पे जा रहा है, सर कम। कम। यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे रिडक्शन हो रहा है। अगर सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उसे क्या कहते हैं, वैसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एग्जैक्टली, उसे डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये एक रिएक्शन हो गया डिसप्रोपोर्शनेट का। तो डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन बहुत कम दिए हैं, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से करना, ठीक है। अब ये देखो, AgNO3 रिएक्टिंग विथ वाटर एंड H3PO2,
AgNO3 क्या बन गया? Ag. अब बताना रिडक्शन हुआ है या ऑक्सीडेशन? यहां एग्जैक्टली रिडक्शन हुआ है, ठीक है. सो इज H3PO2 एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अ रिड्यूसिंग एजेंट? ये इसका रिडक्शन करवा रहा है. एग्जैक्टली इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. जिसका ऑक्सीडेशन होता है दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. और जिसका क्या होता है? जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये आप क्लास 8 से करते हुए आ रहे हो. द सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज द रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. अब यही देखो एमसीक्यू में यही क्वेश्चंस देखना कैसे आ सकता है. अब इसी को एमसीक्यू में बना देंगे. H3PO2 ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर. ठीक है. अब H3PO2 में क्या था? P का एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, एक OH है, एक H है और एक H है. ठीक है. सो हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू फॉस्फरस? टू. ठीक है. सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज वॉट? ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा है. रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब वॉट? इट विल अंडरगो वॉट? अंडरगो. यस. इसका मतलब यहाँ पे H के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे O आ सकता है, यहाँ पे O आ सकता है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन. सो दैट वाज द क्वेश्चन ऑल अबाउट. तो क्वेश्चन ये सब भी आ सकता है कि व्हाई इज इट रिड्यूसिंग एजेंट. रीजन नंबर वन, रीजन नंबर टू, रीजन नंबर थ्री, रीजन नंबर फोर. ठीक है. नाउ What is the basicity of H3PO4? मान लो नहीं आता, रट्टा नहीं मारा है, लेकिन समझ लिया है कि ये ऐसे होगा. यहाँ पे एक OH आएगा, यहाँ पे एक OH आएगा, रफ में ये बना लिया. Now the basicity, how many, what is the basicity? How many hydrogens can be released? थ्री हाइड्रोजन. अभी तो कितना मजा आ रहा था जब ना टू वे स्टोरी था, अब थोड़ा ना कम मजा आ रहा है. जब तीन हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है तो इसका नाम हमने क्या बताया था? व्हाट डिड वी से इट्स नेम वाज? ट्राई बेसिक एसिड. और ये क्वेश्चन देखना डायरेक्टली रिएक्शन से है. एच थ्री पी ओ थ्री को हीट करेंगे तो क्या होएगा? ये रहा, इसके ऊपर यही रिएक्शन दिया है. ठीक है. तो बेटा कोई भी रिएक्शन आपके एग्जाम में इस बुक के बाहर नहीं आएगा. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल माय चिल्ड्रन नॉट टू रिफर टू एनी अदर बुक इन क्लास 12 अदर देन एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में ही 500 रिएक्शन याद हो गए तो बात खत्म. प्रदीप के 5000 रिएक्शन रटने की ना जरूरत नहीं है. रिएक्शन कोई भी बाहर से नहीं आएगा. अब वी कम टू ग्रुप 16. ग्रुप 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ भाई. NS2 NP4. ठीक है. यानी कि इसके S में दो इलेक्ट्रॉन है, P में चार इलेक्ट्रॉन है. ओके. तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है? दो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -2 +2 +2. और पीरियड नंबर 3 के बाद जब डी आ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन पी का चला गया आपके डी के पास. तो पी का एक इलेक्ट्रॉन डी के पास चला गया. अब कितना हो सकता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? -4 +4 -4 नहीं होगा. जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना बेटा तो सिर्फ शेयर करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू गेन. तो इट विल ओनली बी +4.
अब सर अगर डी तक चले गया तो मतलब डी अगर एक बार आ गया तो फिर वापस जा नहीं सकता है। एग्जैक्टली माइनस में नहीं जा सकता, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब और सर ये फिर एस और पी, एस और पी ऐसा एस क्या है? बेटा जब शेयर करेगा तो सारे ही शेयर करेंगे, ठीक है। अब ये एस वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां से जंप करके यहां आ गया, अब ये क्या दिखा सकता है? प्लस फाइव, प्लस सिक्स। हमेशा टू मोर, डी में वन मोर होता है, पी में टू मोर, ठीक है। याद करने का तरीका, ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज टू मोर टू मोर टू मोर इन पी ब्लॉक, इन डी ब्लॉक इट इज वन मोर वन मोर वन मोर, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया सबको। अब ऑक्साइड्स हमारे होते हैं, कितने टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं? मेन टू टाइप्स के होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स कितने टाइप के होते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कितने टाइप के होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड एंड एंड एन से नाम शुरू होता है, एन से नाम शुरू होता है भाई, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। कौन से? न्यूट्रल। मैं यहां पे फिर से लिख रहा हूं, ऑक्साइड्स हमारे दो मेन टाइप के होते हैं, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स दो टाइप के होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स दो टाइप के होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स, जैसे कि Na2O बेसिक ऑक्साइड है, और आपने दो ऑक्साइड किया था टेंथ में जो कि एम्फोटेरिक है, इलेवेंथ में भी किया था, कौन कौन से थे? या एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। तो वही सारे चीज यहाँ पे डिस्कशन है। सर ये बी क्या लिखा है? बी बेसिक, बेटा बी इज बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। तो अकरेंस एम एम्फोटेरिक, एम एम्फोटेरिक, एसी एसिडिक, एन न्यूट्रल। तो अकरेंस कैसे कैसे होगा? ऑक्साइड्स के फॉर्म में होगा, सल्फाइड्स के फॉर्म में होगा, सल्फेट्स के फॉर्म में होगा, सल्फाइड्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो दीज आर दी फॉर्म्स इन विच दे आर फाउंड इन दी अर्थ। अब उसके बाद से ये आ गया आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसके बाद से आ जाएगा एटमिक एंड आयनिक रेडियाई। नीचे जाओगे तो क्या होता है? साइज इंक्रीज, साइज डिक्रीज, इंक्रीज। उसके बाद से आ गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नीचे जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन इसमें P3 है, इससे पहले वाले का P2 था, तो P3 इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो P2 से आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका ज्यादा होगा। रिमेंबर, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन। तो इसमें आपका नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा नहीं होता है, नाइट्रोजन इज ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज। इफ यू रिमेंबर वी हैड डिस्कस नाइट्रोजन एंड फॉस्फरस में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन फॉस्फरस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज के वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग हो जाता है, बहुत नजदीक आ जाते हैं, नजदीक आ जाएंगे तो व्हाट हैपेंस? रिपल्शन, एंड रिपल्शन के वजह से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगा। दो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फरस, इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लो बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, crowding of the electron occurs and electron electron repulsion occurs, ठीक है, okay। तो ये physical हो गया properties,
नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे सारा, ओके, एंड वी विल गो अहेड एंड फिनिश इट टिल एटलीस्ट, कोशिश रहेगी मेरी कि नेक्स्ट क्लास में सल्फर तक हो जाए तो आधा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों की पेरेंट्स की